तो आज है चौथा नवरात्रा और दरबार के दर्शन आपने कर ही लिए हैं और गद्दी भी लग चुकी है, आसन लग चुका है नीचे। तो मैं आजकल बिल्कुल भी ना कुर्सी में बैठती हूँ ना बेड में, नीचे ही ज़मीन पे ही गद्दी लगती है और ज़मीन पे ही मैं सोती हूँ आजकल, और ऊपर नहीं सोती हूँ क्योंकि मैं साधना पे हूँ। तो इसलिए जब साधना करनी होती है तो ढंग से करनी होती है, फिर सब कुछ छोड़ना होता है। और कल मंगलवार था, इतनी भीड़ हुई क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना ये पता है कि मंगल शनि ही लगता है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि आजकल नवरात्रों में रोज़ लग रहा है। तो आज तो अभी 12 बजने में 10 मिनट है, अभी तक कोई आया नहीं है और मेरी पूजा पाठ पूरी हो चुकी है। आज मैं 10 बजे पहुंची थी दरबार में, घर का सारा काम करके नहा धो के उसके बाद मैंने अपनी पूजा पाठ करी, तो मुझे 1-1.5 घंटा पूरा लगता है पूजा पाठ करने में। पाठ भी करती हूँ, 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसे लग जाता है मुझे। और आज मेरी सांस चढ़ी है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल इतनी भीड़ थी ना बोल बोल के। और माता रानी कल बस जब से गद्दी में बैठी थी तब से गद्दी में से उतरते समय तक शरीर में थी पूरा दिन, नहीं तो मतलब कभी माता रानी ऐसे इतना खेलती नहीं है, आराम से पूछा देती, लेकिन कल पूरा दिन भर माता रानी थी। तो मैं कल बहुत ज़्यादा थक गई और बहुत लोग भी थे। तो चलो अभी तो कोई आया नहीं है, कोई लोग आ रखे थे, मैं पूजा में बैठी थी तो मैं उठी नहीं क्योंकि जब मैं पूजा में रहती हूँ तो फिर उस टाइम गेट कैसे खोलूँ, कोई है नहीं साथ में। आज सुमन लेट आती है स्कूल से, 1 बजे आती है और बॉबी की तबीयत ख़राब है, माता जी भी नहीं आए हैं अभी, शायद वही होंगे, पता नहीं कौन थे। और राधा सफाई करके चली गई है घर, सबके अपने अपने काम है। तो चलो थोड़ी देर में आ जाएंगे शायद सब, मैं तब तक अपने लिए चाय बना लेती हूँ, गला बहुत ख़राब हो गया है। अपने बच्चों पर तुम्हें पता है जो तुम्हारे कष्ट होते हैं वो गुरु के ऊपर आते हैं बेटा। फिर लोग समझते हैं गुरु बनाइए हमने खरीद लिए, बाबू गुरु पे आते हैं वो कष्ट जो बच्चों के होते हैं, और जो गुरु मेहनत करता है वो भी तुम्हारे हिस्से में जाती है, वो चीजें तुम्हारे हिस्से में भी जाती है बेटा, ठीक है। अगर गुरु ही कुछ नहीं करेगा तो तुमको क्या देगा वो, तो गुरु तुम्हारा ऐसा है तो तुम्हें भी बनना चाहिए, ठीक है। अपनी मेहनत करो, दिखावा मत करो, आजकल दिखावा चला है। अभी रात के 8 बज चुके हैं और फटाफट यहाँ पर खाना बना रही हूँ, फिर बच्चों को खाना खिला के फिर मुझे दरबार जाना है। तो आजकल मैं इतनी बिजी हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा सांस लेने की का भी टाइम नहीं है। तो चलिए फिर आप लोगों के साथ कल भी थोड़ा सा शेयर करूँगी ब्लॉग। जय माता दी।